तो सबसे पहले जय हिंद आप सभी को। कल रात का जो समय था वो काफ़ी कठिन समय था हमारे लिए और हमारे शहीद भाइयों के परिवार के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके तरफ से अपने तरफ से उन सभी शहीद भाइयों को मैं नमन करना चाहता हूँ, उनके परिवार वालों को मैं नमन करना चाहता हूँ। लेकिन एक भारतवासी होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, इस पर भी हम बात करेंगे इस वीडियो लास्ट में। पहले इस क्लिप को हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। भारत के अगर आप टीवी चैनल्स ऑन करें तो एक बार फिर वहां पर वॉर रूम्स का इंतजाम किया जा रहा है। एक बार फिर जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और ये सारा माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि भारत, हम कल ही अभी बात कर रहे थे बल्कि, कि पाकिस्तान के साथ तो कशीदगी चली रही है लेकिन अब दीगर हमसायों के साथ भी भारत की जारहियत और जंगी जुनून वहां पर देखा जा रहा है। नेपाल और अब चीन, वहां पर बहुत ज्यादा टेंशन है और चीन ने जवाब भी दिया है जिस पर भारत बहुत ही गम गुस्से का शिकार है और कहता है कि जी हम उसको जवाब देंगे। अब ऐसी सूरत हाल में क्या आगे होने जा रहा है? अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूं है कि खित्ते में हमसायों से भारत का ये बढ़ता हुआ जारहाना रवैया क्या फौरी जंग का बायस बन सकता है? बाबर सत्तार साहब, ऑल्दो चीन और भारत में बड़ी देर से एक अंडरस्टैंडिंग है कि जी नो शूट जोन होगी, लेकिन अब हालात जो है वो कशीद की तरफ बढ़ते लग रहे हैं। आपको क्या इसकी कोई इंतहाई कैफियत सामने देखते हैं नियर फ्यूचर में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि एक एक बड़ी जंग होगी, क्योंकि एक बड़ी जंग अगर इंडिया चाइना के दरमियान होती है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमारी यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई। तकरीबन पिछले 30 साल में हमने यूनिपोलर वर्ल्ड देखी, अब मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बात जा रही है। उस मल्टीलैटरलिज्म में दुनिया में अमेरिका की पावर थोड़ी रिसीड कर रही है और बाकी मुल्क, जिसमें स्पेशली चाइना सामने आ रहा है, लेकिन जो अब इस सदी की बड़ी पावर्स होंगी उसमें इंडिया भी होगा, चाइना भी होगा, और उनका जो रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व होता है, सो जो पावर डायनेमिक है पूरी दुनिया की तब्दील हो रही है, यहाँ पे भी तब्दील होगी। एक बॉर्डर डिस्प्यूट है दोनों के दरमियान, एक कश्मीर के इशू को जाहिर है एक छोटा मुल्क है पाकिस्तान, उनके साथ जोर जबरदस्ती के साथ इंडिया ने डील किया। चाइना शायद नहीं चाहता कि इस तरह की जोर जबरदस्ती हो क्योंकि वहां पे भी एक डिस्प्यूट है। सो ये स्कर्मिशेस जो हैं ये मेरा ख्याल है सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि छोटे के साथ लड़ाई करना आसान होती है, बड़े के साथ लड़ाई करना मुश्किल होती है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में भी बेहतर सेंस प्रिवेल कर जाएगी, क्योंकि वरना उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इमीडिएट टर्म में तो शायद हमें थोड़ा सा फायदा हो कि टेंशन इनकी अगर चाइना के साथ इंडिया की रहती है तो उनकी तवज्जो शायद पाकिस्तान की तरफ से हट जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इस खत्ते के अंदर हम अमन देखना चाहते हैं तो बड़ा जरूरी है कि जिस तरह के इनिशिएटिव चाइना ले रहा था रोड और बेल्ट इनिशिएटिव के, इकोनॉमिक इंक्लूजन की तरफ बात जाए बजाय इसके कि आप जंगों की तरफ जाए। ठीक है हसन निसार साहब, अब जंग के डायनामिक्स बड़े चेंज हो गए हैं, अब वो रिवायती वॉरफेयर नहीं होती है, तो क्या आपको लगता है कि कोई इंतहाई कदम उठा सकते हैं दोनों जानिब से कुछ? ये तो आपने मेरी इंफॉर्मेशन में बड़ा जबरदस्त इजाफा कर दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बाबर सत्तार साहब ने जो कहा वो बहुत खूब और बहुत बुनियादी, बहुत ही एकेडमिक किस्म की बात। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हिंदुस्तान अपने से, अपने मुंह से बड़े निवाले के बारे में एक हद से आगे नहीं जाएगा, बस। ठीक है मुनीब, आपको क्या लगता है? बरखा दत्त साहब, साहिबा ने आज ट्वीट किया और वो कहती हैं कि जी जो हम चाइना को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे या उनसे जो नो शूट स्टैंड ऑफ था हमारा, अब उसको खत्म होना हो जाना चाहिए। देखिए, यहाँ जो अभी जिस तरह बाबा साहब ने फरमाया है, मंटी साहब ने भी, मजहर साहब ने भी, मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी रीजनिंग दी है। तो इसके अंदर क्या ऐड किया जा सकता है सिवाय इस एक जुमले के, जो आपको याद होगा एक हॉलीवुड की फिल्म थी बड़ी मशहूर, वैन डैम की हार्ड टारगेट आई सपोज, उसने कहा, उसका जो लोगो जो था लाइन थी कि डोंट हंट व्हाट यू कांट किल। तो फिर चाइना के लिए मेरे ख्याल में इंडिया के लिए सबक है। इट्स अ बिट ठीक है। मजहर अब्बास साहब, देखिए जब नरेंद्र मोदी कुछ कहने लगता है तो मुझे लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जब कहने लगते हैं तो मुझे लगता है मोदी कह रहे हैं। और ये इस दिहाई का सबसे बड़ा अलमिया है कि दो बड़ी डेमोक्रेसीज में इस तरह के लीडर्स जो हैं वो इस अपनी अपनी जो है ममालिक के सदर और वजीर आज़म हैं। देखिए, इंडिया बहुत और ख़ासतौर पे बीजेपी की पॉलिटिक्स बहुत ही कैलकुलेटेड है, वो टेंशन बिल्ड करते हैं,
वो अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, वो अपने लोगों को एक तरफ से उसी वॉर हिस्टीरिया में रखना चाहते हैं, उसी इंतहा पसंदी की सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इंतहा पसंदी की सोच कुछ इंतहा पसंदाना इकदाम से ही आगे बढ़ती है। वो एक नेगेटिव पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं, वो नफ़रत की सियासत पर बिलीव करते हैं, वो समझते हैं कि इस तरह की सियासत करने से लोगों के जो अपने मसाइल हैं, और ज़ाहिर है एक ख़ास सिचुएशन जब आप डेवलप करते हैं तो कौम, वो समझते हैं कि कौम यूनाइट हो जाती है, लेकिन इसके फॉलोआउट बड़े बुरे हैं। इसके फॉलोआउट में सबसे ज़्यादा मुतासर खुद इंडिया हो रहा है, खुद इंडियन सोसाइटी हो रही है, और इस वक्त की इंडियन सोसाइटी अगर आप आज से 10, 15, 20 साल पुरानी इंडियन सोसाइटी को देखें तो बिल्कुल कम्प्लीटली मुख्तलिफ माहौल पैदा हो गया है। ऐसे ऐसे आप मीडिया की आपने बात की, एक ज़माने में इंडियन न्यूज़पेपर्स जो होते थे उसमें जो कॉलम्स छपते थे, जो उसके राइटर्स होते थे, आज कोई भी मुश्किल से आपको एक आध कोई सेन वॉइस इंडियन टेलीविजन पे नज़र आएगी। ये इंडियन सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है हमें, इसका नुकसान सिर्फ इंडिया को हो रहा है, इसकी तबाही खुद इंडिया के अंदर हो रही है। लेकिन भी तो इनका तो खैर जो एक एजेंडा है वो हमेशा इस समय में चलता रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जब स्थिति थोड़ा सा और अगर सिचुएशन थोड़ा और टेंस होता है तो वो धीरे धीरे इनका एक एजेंडा जो है वो बढ़ेगा। लेकिन इसका इफेक्ट कितने लोगों पर पड़ता है ये भी एक क्वेश्चन मार्क है इस पर भी। अब बात है कि हमारा यहाँ पे क्या कर्तव्य है, जो भी हुआ है कल के डेट में, परसों के डेट में, और अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है, सुनने को ये भी मिला है कि विदेश मंत्री जो हैं चाइना के, भारत के और रशिया भी आ रहा है बीच में, अब इन तीनों के बीच में 22 जून को एक मुलाकात होगी। तो आपका क्या ख्याल है, क्या यहाँ पे हमें बात करना चाहिए? मतलब वैसे तो आपका ख्याल या मेरे ख्याल पे देश नहीं चलेगा, बट फिर भी हम एक डिस्कशन करते हैं अपने इस चैनल पे या फिर और भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लोग अपनी अपनी बातें करते ही हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या इंडिया को यहाँ बात करना चाहिए या फिर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए चाइना को कि भाई आप अगर आप अंदर आए हुए हैं तो भैया फिर आप जो है यहाँ से बाहर जाओ, अदरवाइज हम कोई भी बात नहीं करेंगे इस वक्त। क्योंकि जो सुनने मिला वो सब तो यही देख के लग रहा है कि इंट्रूजन हुई है, और अगर आप अंदर हैं तो आप बाहर जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। तो क्या ये, हालांकि मुझे लगता है जो विदेश मंत्री मिल रहे हैं वहाँ पे यही डिस्कशन होगा इस विवाद को लेके, इस डिस्प्यूट को लेके, लेकिन अब ये सब तो खैर चलता रहेगा, एक इसमें ये तो चलता रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है, जब से ये स्टैंड ऑफ हुआ है तब से लेकर बहुत छोटे छोटे यूट्यूबर्स ने, मैंने भी कुछ वीडियोज डाले हैं और भी कुछ यूट्यूबर्स डाले हैं, लेकिन यूट्यूब के अलावा और किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मीडिया पे, बॉलीवुड से तो खैर हमें उम्मीद करना ही बेकार है, कहीं पर भी चाइना के सामानों का बहिष्कार को लेकर कोई भी बड़ा अभियान चलाया नहीं गया, जबकि ये हर बार होते आया है। हर साल दीपावली के टाइम पे हम यही बोलते हैं चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे, फिर भी लाखों करोड़ों का सामान जो है, अरबों का सामान जो है वो बिक जाता है, और बस हम अपना फर्ज निभाते रहते हैं एक सच्चे देशभक्त होने का। तो अभी भी क्या हमारा जो अंदर का एक खून है वो नहीं खोल रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मुझे नहीं फर्क पड़ता है, बहुत लोग अभी भी हैं ट्विटर पे, मैंने देखा है कि वो सबूत मांग रहे हैं। मेरा कहना ये है कि उनके लिए तो खैर दुनिया में अगर सबसे कोई गंदा गाली भी इन्वेंट हुआ होगा वो भी अगर दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उन लोगों को, और ना ही मुझे फर्क पड़ता है कि वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके अगर आपके पास ऑप्शन है तो प्लीज़ चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें। ऑप्शन अगर नहीं है, मजबूरी है लेना, तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इन फ्यूचर ऑप्शन आ जाता है तो प्लीज़ चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें। मैं इन लास्ट यही बोलना चाहूँगा इस वीडियो में, बाकी जैसा आप लोगों का मर्जी, आप लोग जो करना चाहें, देश में तो हम रहेंगे ही, मरते दम तक रहेंगे, मरते दम तक यहाँ की रोटियाँ खाएंगे, लेकिन एक फ़र्ज होता है, कुछ फ़र्ज नाम का भी कोई चीज़ होता है, वो अगर आप निभा सकते हैं तो ठीक है, नहीं निभा सकते हैं तो जिसको जैसा लगे वो करे, कोई बात नहीं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।